Good morning, students. In this lecture, we will discuss about solar system, unit number 11. The area beyond the Earth's atmosphere is space. ज़मीन की फिजा से बाहर का इलाका खला है. It starts from where the atmosphere of the Earth fades away. जहाँ से ज़मीन की फिजा का हिस्सा ख़त्म होता है वहाँ से खला शुरू होता है. There is no air in space. खला में हवा नहीं है. It is full of heat and light rays, magnetic fields and particles which are moving very fast. ये हरारत और रोशनी की शुवाओं से भरा हुआ मकनातीसी मैदान और ज़रात जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. निब्यूली. There are great clouds of gas and dust in space. These clouds are called nebulae. Stars are formed in the nebulae. The force of gravity pulls gas molecules and dust particles together. कशिशे सिकल की ताकत गैस के ज़रात और धूल के ज़रात को एक साथ खींचती है. As the mass of particles becomes tightly packed, it becomes hot. जब ज़रात कसीर तादाद में मजबूती से भर जाते हैं तो बड़े पैमाने पर अंदर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है. द टेम्परेचर इन साइड द मास राइजेज टू अबव 1 मिलियन डिग्रीज, जो कि 1 मिलियन डिग्री से ज़्यादा होता है. द मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बिगिन टू ज्वाइन अप टू मेक हीलियम गैस मालिक्यूल्स. हाइड्रोजन गैस के ज़रात हीलियम गैस के ज़रात से मिलते हैं. दिस प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और ये हरारत की शक्ल में बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा करते हैं. दिस मास ऑफ गैस एंड डस्ट बिगिंस टू शाइन. गैस और धूल के ज़रात चमकने लगते हैं. अ स्टार इज फॉर्म्ड, जिससे एक सितारा बनता है. दैट्स ऑल फॉर नाउ. गुड बाय.